हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग। अरे ये देख रहा, अपरिचित इनको ऊपर करो, जैसे मैं ऊपर करता हूँ ये फिर नीचे आ जाते हैं। मतलब ये इतने ज्यादा सिल्की और वो हो चुके हैं ना, ये देखो मैं कहीं भी करूँ ऊपर करूँ, देखो ये अपन ने किए ऊपर हो गए, जैसे मुंडी नीचे करेंगे ये आ रहे। खैर छोड़ो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपको तो सब शिवम मालवीय और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली, और आप परिचित की स्टाइल में, तो सॉरी आई एम रियली रियली सॉरी, बट मेरे बाल देखो भाई, ये इतने सिल्की और इतने सॉफ्ट सॉफ्ट एंड सिल्की मेरे बाल, अंकित भाई ने किया कमाल। तो आज तारीख 4 फरवरी और टाइम हो रहा है 10:37 एंड आज हमारा इस घर में, हमारे जो पुराने घर में, इसमें हमारा आखिरी दिन है। और आज फाइनली हम लोग यहाँ से शिफ्ट करके अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि इस बिल्डिंग में, मतलब बुरा इस चीज का लग रहा है, इस बिल्डिंग में 20 साल बिताने के बाद में फाइनली हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं भाई। चलो भाई, आप लोगों को थोड़ा घर के हाल दिखा दिए जाए कि हमारा घर का हाल कैसा हो चुका है। देखो ये मम्मी का कमरा है, ठीक है, ये देखो जरा। तो मम्मी का कमरा भी अब कुछ इस प्रकार है, पूरा का पूरा खाली हो गया है, अलमारी अलमारी सब हमने पैक कर दी सिस्टमेटिक, एंड ये देखो टीवी का पूरा सामान हो गया, ये फ्रिज भी पैक हो गया, सारे इन सब चीजों में बस पैकिंग वैकिंग हो गई। यहाँ भी पूरा खाली, बस थोड़ा बहुत अब ये भगवान जी को उसमें रख के ले जाएंगे, बोतल वोटल बची है, थोड़ा बर्तन वर्तन बचे, जब गाड़ी आएगी सब उसमें लोड हो जाएगा। मेरे कमरे का दिखाता हूँ, देखो अभी उसके कमरे का एसी खुल रहा है तो एसी अनइंस्टॉल हो रहा है। ये मेरे कमरे का है, ये पंकज के कमरे की टीवी है, पता नहीं क्या करता है वही टीवी में देख के, वो मम्मी कमरे की टीवी है, रोडी है, रोडी को तो यहीं छोड़ के जाएंगे, क्यों रोडी है ना, देखो तो यहीं छोड़ के जाएंगे है ना। इस प्रकार कुछ अपने कमरे का हाल है। अरे मुझे बस ये कांच और खोलना है, सो दैट कि कांच अभी एंड में खोलेंगे क्योंकि कहीं रख के और टूट टाट गया, तो मैंने चाहता कि महंगा कांच है टूट जाए, अच्छा खासा कांच है वहाँ काम आएगा। अभी मैंने अपनी वाइट टी शर्ट पहनी थी नहा के आने के बाद, फिर मैं सोचा टी शर्ट चेंज कर लो भाई, गंदी कौन करे। अभी अभी अपने बालों में अपन ने कुछ कराया है तो बाल खराब ना हो, इसीलिए मैंने ये मफलर जो भी किया था ये पहन लिया, सो दैट कि बाल डैमेज ना हो धूल मिट्टी के चक्कर में, समझ में आया क्या। तो जब अपन यहाँ आए होंगे तब कितने साल का रहूँगा मैं, 8-1 साल का ना, तो 20 साल तब भी होगा, और क्या 29 का हूँ तो। लो भाई फाइनली गेट भी उखड़ गया है ना, रोडी क्या हो रहा है, रोडी भी सोच रही होगी करके आ रहे हैं ये लोग, पूरा घर का कवाड़ा कर रहे हैं यहाँ क्या गेट लो। पहले हमारा घर ऐसा दिखता था बिना गेट के। एक चीज और दिखाता हूँ, ये कांच उतरा तो कांच की जगह देखो ऐसा, हमको इतना अजीब लग रहा है ये देख के, चला ये दीवार ऐसी थी क्या, हम तो कितने सालों से उसको कांच ही देख रहे थे। अरे इसको पहले नीचे ये गाड़ी में साइड में रखेंगे ना, हाथ ना तो पहले जो अलमारी है ना, अभी अलमारी कोने में जमा देना, रुक जाना एक भैया भैया रुकना, वो कहाँ गई मम्मी, रोटी कहाँ है, ठीक है अलमारी एक दो अलमारी है, पहले एक ही है और एक वो उंगली कैसी हो गई यार, बाबा हालत खराब हो रही भाई। ओ भाई 3 लेबर लगी और 1 मैं लेबर सामान पूरा शिफ्ट कराने में, और देखो यहाँ तो कट गया पर ठीक है। अब बारी है इस अलमारी की, फिर रखेंगे फ्रिज, तो खाली है हल्की है, ये वाली हल्की है ना, बस तो फिर आन दो देखा हाथ संभाल के। अब जाएगा फ्रिज, एक काम करता हूँ थोड़ा बहुत सामान ले आके उसमें पटक देता हूँ, कुछ और तो देख लो अभी बच्चा तो नहीं, ये बस ये बैग बचे ना, ये तो अपना उठो, इसमें क्या है, ये रोटी का बिस्तर ही है ना, बस लाओ ये रोटी का बिस्तर दो मैं रखवा के आता हूँ, ये कहाँ दुपट्टा। अभी कितना सामान लोड होना बाकी है भाई, ये इसमें क्या बचा है, इसमें सिलबट्टा रखा है मम्मी का, पानी की बोतलें हैं, भगवान हैं, ये है मेरी खुद की हालत भाई, इतनी खतरनाक ऐसा लग रहा है एक मजदूर तो मैं ही हूँ उनमें से भाई, और ऊपर से ये जुल्फे आया है। चलो भाई फाइनली जाने का टाइम हो गया, 20 साल बाद बाय बाय हूँ। हेलमेट एक डिक्की में, एक अल्ताफ की दुकान पे और एक नई दुकान पे, मेरा वाला तेरा वाला अल्ताफ की दुकान पे उठा लेना, उसकी दुकान से ऑटो वाला आ रही है क्या, आ गए वो नीचे खड़े हैं ऑटो वाले। पहले हम इस वाले कमरे में रहती थी पूरी फैमिली, फिर हमने लिया है ये वाला कमरा, फिर जहाँ पे मैं और पंकज हम दोनों सोया करते थे, एंड रोडी जब आई थी तब यहाँ रोडी सोया करती थी छोटी सी। फिर लॉकडाउन का समय हुआ, कितना टाइम मैंने यहाँ बिताया, यहाँ बैठ के मैंने अपने रोस्टिंग वीडियोस बनाए, कितने वीडियोस बनाए, व्लॉग्स बनाए इस जगह पर भाई, ये वाला कमरा। हाँ रोडी भी इसके रीजन, चल हाँ हाँ हाँ, फिर लॉकडाउन में हमने लिया ये वाला कमरा जहाँ मैंने खोली अपनी पहली टैटू शॉप, वहाँ मेरा काउच रखा रहता था, यहाँ मैं पब्लिक लोगों को टैटू बनाता था, वहाँ पर मेरा JBL रखा रहता था, वहाँ कांच लगवाया था टैटू देख पाया था क्योंकि लोग बाग। फाइनली 20 साल बाद टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया इस घर को,
और इस मोहल्ले को, इस जगह को, सब कुछ अच्छा था। पता, मोहल्ला बहुत अच्छा था, इतना अच्छा मोहल्ला था कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ पर दवा दुआ सब पास में मिल जाती थी। शाम को मंडी लग रही है, आप उतरो खाना खाने के लिए, मत पापा की दुकान भी मस्त पास में ही है, सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, जो लेना है ले लो, ईजी टू, मतलब सब कुछ चीज़ ईजीली मिल जाती थी। घर के नीचे ही मेडिकल शॉप थी, बट एक कलारी ने और एक दारू की दुकान ने सब बर्बाद कर दिया सब। ये चीज़ बस सरकार को नज़र नहीं आई कि लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है उस कलारी से, लेकिन क्या करें, पैसा आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। ठीक है, किसी बहाने कम से कम हम किसी अच्छी जगह जा रहे हैं। बुरा तो लग रहा है इस चीज़ का, क्योंकि क्या है, यहाँ पे बहुत दोस्ती यारी भी है, सारे दोस्त बचपन के यहीं हैं, अब वहाँ जा रहे हैं, बुरा तो लग रहा है यार। फाइनल ताला, चाबी मेरे को नहीं, पंकज को दो चाबी, मेरे को मत दो। चलो पेपर मेरे, ये सब मिस करूंगा मैं, बहुत बढ़िया, ये सब लड़ाई झगड़े मिस होंगे। चलो पट्टा तो उठा उसका, वो पट्टा पट्टा छोड़ दिया तुमने। सबको टाटा बाय बाय कहना, इधर मैं छिछी करती थी। चलो फाइनली निकल ली मम्मी और मैं और रोडी, पापा गए टेम्पो में, पंकज और उसका दोस्त ला रहा है गाड़ी, देखते हैं बाकी। कुछ पियोगी बीच में, अल्ताफ की दुकान पड़ेगी, ले लेते हैं। चलो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट नए वाले घर में, पीछे देख के इसका इधर आराम से नीचे पटक, यही बीच में रखते हैं, बीच में आराम से। एक तो ये नई जगह आई तो परेशान हो रही है। रोडे कौन क्या अलमारी, दोनों सब इधर ही आएंगी, लोहे वाली ऊपर जाएगी बस, तू बस पागल हो। अरे वो नई जगह है ना तो वो भी पागल हो रही है क्या, पगला रही कि ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। फ्रिज क्यों उल्टा रख दिया ना, ओए तुझे बोला ना इधर, यहीं 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 उचकना मत, रोडी टाइल से गिर जाएगी। चलो रोडी अंदर अंदर अंदर, यहीं मैं आ रहा हूँ, अरे वो पागल ही हो, फिर निकल गई। अभी तो पूरा का पूरा सामान भाई ऐसे ही पड़ा हुआ है, इधर भी तू ऊपर नहीं आ पाएगी बेटा। अच्छा आ रहा हूँ। सबसे कम अगर किसी का कमरा भरा है ना तो तुम्हारे भाई का है, ये देखो। हाँ अंकल जी। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ वो पार्सल है तुम्हारा घर में? हाँ मैं अभी आ ही रहा हूँ तो फिर ले लूंगा, है ना। हाँ वही मैं अभी पहुंचा, मैंने कहा पूछ लिया है। कोई नहीं कोई नहीं, मेरा एक पार्सल है जो वही है, तो अभी मैं जाऊंगा वापस, बस सामान वामान उतरवा दिया पूरा का पूरा। एंड मेरा कमरा देखो भाई, पूरा खाली मेरा कमरा, मेरे कमरे में एक सामान नहीं आया, एक सामान। रोडी आवाज लगा रही है, क्या है क्या है, क्यों बोल रही है? छत पे अभी मेरी जाने की हिम्मत नहीं है, डर लग रहा है रात है। आईना यहाँ लग जाएगा मस्त। ये मेरे भाई के कमरे का सामान है, ठीक है, एक पलंग ऐसी और टीवी बस। खैर चलो, अब फाइनली अब से आपको नए घर में ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मेरे बाल तो सौरभ जोशी जैसे हो रहे हैं भाई, ऐसे मत करो। तो अब यहाँ पर हमारे पास वाईफाई है नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा भाई अभी दुकान, और दुकान पे जाकर एडिटिंग और अपलोडिंग करनी पड़ेगी। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजने में, सिर्फ 10 मिनट बचे, तो मुझे फटाफट जाना पड़ेगा कहाँ पर, दुकान पर। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ दुकान पर, और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर, क्योंकि बहुत भूख रही है, बब्बू के घर में नहीं चाहता कि बब्बू के घर पर दे। तो ठीक है चलो, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप सबको आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और आपसे तो नए घर में ही ब्लॉग होने वाले हैं। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे, किसी ब्लॉग में कुछ नहीं बात, कुछ नहीं कहा, कुछ नए, तब तक ले खड़ा, बाय बाय, सी यू।